अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू Phonebolee.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर जिस डिवाइस की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करना है वो है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले को पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कल यानी कि 30 मई को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है और ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही ब्रांड में लॉन्च किया गया है जो कि है 2GB 32GB का। अगर आप किसी भी स्मार्टफोन से मुतालिक इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हो तो आप Phonebolee.com को विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कर देगा और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले के अगर बॉक्स कंटेंट की बात की जाए तो बॉक्स को ओपन करते के साथ टॉप पर आपको आपकी डिवाइस मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे बुकलेट मौजूद है जिसके अंदर एक सिम इजेक्टर पिन मौजूद है, यहाँ पे एक्स क्लब का मेंबरशिप कार्ड है और यहाँ पे एक हार्ड केस भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिलता है जो कि प्लास्टिक प्रोटेक्टर है। इसके अलावा यहाँ पे 10 वॉट की पावर ब्रिक मौजूद है और यहाँ पे आपको एक माइक्रो USB की केबल देखने को मिल जाएगी। सैडली इस डिवाइस के साथ आपको हैंड फ्री देखने को नहीं मिलती जो कि मेरे हिसाब से एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। एनी हाउ, यहाँ पे फर्स्ट इंप्रेशंस की बात की जाए तो नो डाउट इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस रेंज के अंदर आपको कम ही इस तरह का लुक देखने को मिलता है। यहाँ पे रियर साइड के ऊपर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है और साथ में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। प्राइमरी लेंस 13 MP का है और इसके अलावा यहाँ पे कोई 2 MP का AI लेंस के नाम से कैमरा लगाया गया है। फर्दर यहाँ पे डिस्प्ले 6.83 इंचेस का रखा गया है और जिसकी रेजोल्यूशन 720p है। यहाँ पे डिस्प्ले का लुक ड्यू ड्रॉप नॉच वाला है जिसकी वजह से ये डिवाइस थोड़ी सी आउटडेटेड हो जाती है क्योंकि आजकल सभी कंपनी स्पंज होल की तरफ मूव हो रही हैं। फर्दर यहाँ पे बॉटम साइड के ऊपर हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है और साथ में माइक्रो USB की पोर्ट देखने को मिल जाती है। स्पीकर ग्रिल बॉटम साइड पर मौजूद नहीं है जबकि आपको स्पीकर ग्रिल टॉप के ऊपर देखने को मिलती है। एनीवे, यहाँ पे इस डिवाइस के अगर मेन सेलिंग पॉइंट यानी कि बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। यहाँ पे किसी भी किस्म की फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो डेफिनेटली इसको चार्ज करने में काफ़ी टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मौजूद है, आई बटन के ना लिंक आ रहा होगा, आप जाके वॉच कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पे सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो यहाँ पे 8 MP का सेल्फी कैमरा मौजूद है ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर। और अगर इस बार फोन के इंटरनल्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है MediaTek हीलियो A22 का, जो कि काफ़ी हद तक एक एंट्री लेवल का प्रोसेसर है और यहाँ पे आपको गेमिंग बहुत ज़्यादा बेसिक देखने को मिलती है। और मेरे हिसाब से ये डिवाइस उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जो कि परफॉर्मेंस यूज़र नहीं है बल्कि सिर्फ मल्टीमीडिया और सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर ऑल आपको काफ़ी बड़ी बैटरी मिल जाती है जो कि मेरे हिसाब से ईजिली 3 दिन का बैकअप आपको प्रोवाइड करेगी। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले और किसी भी स्मार्टफोन से मुतालिक डिटेल के लिए आप Phonebolee.com को विजिट कर सकते हैं और इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले का गेमिंग रिव्यू और बैटरी चार्जिंग टेस्ट देखने के लिए और कैमरा रिव्यू देखने के लिए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।